जितने भी सिस्टर्स एनिमेटर्स और कोहेन गार्डन और प्यारे जी के बेटे, आज हम सबों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। ऐसे लग रहा है कि फादर दयाकिशोर हम लोग को दिवाली का उद्घाटन करने के लिए बुलाए हैं। हो गया है ना दिवाली का उद्घाटन, बहुत अच्छी बात है और हम खुशी मनाते हैं। दिवाली को ही हम बहुत अच्छी तरह मनाते हैं, यही सोच करके, यही देख करके कि प्रभु यीशु ख्रीस्ट खुद ज्योति है और हम उसी ज्योति को अपने दिल में संजो कर रखते हैं और हम सभी को इस रोशनी देते हैं हम लोग को, जिसे आशा की किरण भी हम बोल सकते हैं। इस शाम को तीन बातें कहना चाहूंगा। एक, हमारी कलीसिया यीशु ख्रीस्त के कालवरी पहाड़ के क्रूस पर से हुए, यहाँ हम एकत्र हुए हैं। पारिश के प्रांगण से हम यात्रा करते हुए, रोजरी माला करते हुए यहाँ आए। उसमें सबसे आगे हमारे ये क्रूस था। तो ये एक शिक्षा है हम सबों के लिए कि हम जहां कहीं भी जाए, हमारे जीवन का केंद्र क्रूस है। किसी भी उम्र के हो, छोटे बच्चे, युवा या वयस्क, माता पिता, ये क्रूस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां से हमारे लिए यीशु ख्रीस्त का प्रेम, यीशु ख्रीस्त का हमारे लिए प्यार, वहां से जो मुक्ति हमारे लिए मिलती है, ये हम लेकर चलते हैं, उसे सामने रखकर चलते हैं, जो हमारे लिए एक रॉकेट की भांति चलते रहता हूं। मैं याद करता हूं दार्जिलिंग के बिशप, जब कभी हम लोग का मीटिंग होता है तो एक बार बार एक उदाहरण देते हैं कि क्यों हम लोगों की कलीसिया बहुत पीछे है, दूसरी जगह में बहुत आगे है, हम लोग क्यों पीछे है। इसका मतलब कि हम लोगों में आठ की कमी है। तो जब वो एक ऐसा बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन वे बोलते हैं जब भारत रॉकेट छोड़ता है या कोई देश में रॉकेट छोड़ता है, आसमान में जाता है, तो उसके पीछे में क्या रहता है, आग रहता है। हम लोग में तो आग ही नहीं है। तो बिशप स्टीफन दार्जिलिंग के बिशप स्वामी बहुत ही अच्छा बोलते हैं कि हम लोगों में जो आग होनी चाहिए वो आग शायद कमी है। तो यहां पर एक त्रुटि दिखाई देती है। ऋषभ स्वामी तो बोल रहे हैं कि रॉकेट के पीछे में आग रहती है, आग जलता है तो रॉकेट भागता है पूरे स्पीड से। हम लोगों में भी शायद ऐसे ही होगा। तो हमारे माता पिता, हमारी कलीसिया हमारे लिए क्या नहीं किया, जो हमारे पीछे में या सामने में या बगल में आग की कमी है। आज हम सभी को जानते हैं, प्रत्येक नौकरी करने वाले LIC लाइफ इंश्योरेंस के लिए कुछ कुछ जमा करते हैं। तो हमारे माता पिताओं ने, हमारी कलीसिया ने, हम सबों के लिए वो अपने माता पिता के विश्वास और उनके ख्रिस्ती जीवन के परिणाम
विश्वास हम लोग में ज्यादा हो तो हम यदि हम वहीं पर उसी लेवल में रहेंगे तो उसमें आपकी कमी दिखाई देगी। लेकिन यदि जिन माता पिताओं ने लाइफ इंश्योरेंस और सिक्योरिटी के लिए बढ़े का वो करके कुछ इन्वेस्ट किए हैं तो हम लोग का फर्ज बनता है उसे आगे बढ़ाना। तो इसे माता पिता तो दे गए हम आपके लिए और मेरे लिए, यदि आप और मैं नहीं करूंगा हम सभी नहीं करेंगे। आप सभी बेटे बेटियां युवा पीढ़ी जैसे मदर डायरेक्टर ने कहा युवा एक शक्ति है, जो जिनमें शक्ति है वे लोग कुछ नहीं करेंगे तब तो बहुत कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आज इसलिए जब युवा शक्ति की बात होती है और हमारे माता पिताओं की बात करते हैं, कलीसिया की बात करते हैं, हम गौरव करते हैं। हमारे माता पिताओं ने बहुत किया, नहीं सकते हुए भी उन्होंने परेशान करके त्याग करके हम लोग को आगे बढ़ाया। बहुत कुछ माता पिता है जो कि करने में असमर्थ हुए, वे बोले भी कि बेटा बेटी नहीं सकेंगे, घर में रहो, बगान में काम करो, खाना पकाओ, ऐसे हुआ भी है। लेकिन ये हिम्मत हारने की बात नहीं है, जहां के भी रहो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये नमूने आज हमारे लिए दिन दहाड़े देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे कदम उठाते हैं, परिश्रम के कदम और कदम कदम पर उन्हें कठिनाई होती है, लेकिन कठिनाई से डरते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं। हमें क्यों डर है समझ में नहीं आता है। हमारे भारत देश में अभी कुछ बच्चों से डर ज्यादा ही है देखने को मिलता है। इसीलिए राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी बोलना चाहिए, श्री राहुल गांधी वो केरला चले गए वहां से पद यात्रा करते हैं। और जब वो पद यात्रा करते हैं तो बहुत लोग डर के मारे जो अपने घर में छिपे रह गए वे निकल करके आ रहे हैं। तो क्या आज हम भी निर्भय हो करते निडर हो करते हमारे लिए जो वरदान विश्वास का वरदान मिला है, हमारे लिए जो वापिस मार्ग वाला जो कृपा दी है उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये जीने की बात केवल नहीं है, उसे बढ़ाने की बात है, उसे बनाने की बात है, उसे सजाने की बात है। इसे आप और मैं नहीं करेंगे, युवा पीढ़ी नहीं करेगा तो कलीसिया खत्म, हमारे माता पिता का परिश्रम खत्म, बेकार, हमारे माता पिता का विश्वास गए मार्ग। तो आज हम लोगों को ऐसे नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सब कुछ आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, हम लोग कर सकते हैं। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले श्रीमती प्रियंका गांधी वो यूपी में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो बोली थी मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं। क्या इसे आपको प्रेरणा दे चुकी है? वो तो खैर राजनीति के क्षेत्र में बोली या अपने पारिवारिक क्षेत्र में बोली कोई बात नहीं, लेकिन यदि हम अपने क्षेत्र में बोलेंगे, हमारे विश्वास की बात होती है, हमारे समाज की बात होती है, हमारे परिवार को बनाना है, हमारे समाज को बनाना है, हमारी कलीसिया को बनाना है, तो इसमें क्या नहीं कर सकते? प्रभु यीशु ने तो कहा दिया है कि डरो मत, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। ऐसी स्थिति में हमें मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको और मुझको प्रत्येक जन। इसलिए ये जो युवा पीढ़ी है सबसे कुर्बाना से भरा हुआ पीढ़ी है, इसमें संख्या है। यदि छोटे छोटे बच्चों को याद करेंगे, छोटे छोटे बच्चे दादा दादी के साथ नाना नानी के साथ पसंद करते हैं करने के लिए, लेकिन
ज्यादा खुशी होती है जब वे एक दीदी का हाथ पकड़ करके एक दादा का हाथ पकड़ अंगुली पकड़ करके हुए उनके साथ चलते हैं। बच्चों के लिए कितनी खुशी की बहुत खुशी होती है आपके साथ चलने के लिए। ऐसे ही यदि घर में या पड़ोस में आपके अगल बगल में कोई बुजुर्ग है, यदि आप उनके पास जाकर के बात करते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, उन्हें आप उत्साहित करते हैं, तो कितने खुश होते हैं। वे भी आपको देखने के लिए लड़ाई करते हैं, आपके माता पिता हो या किसी और के माता पिता हो, लेकिन वे प्रत्येक वे नहीं सोचते हैं कि किसी और के घर का बेटा है, और के घर के बेटे, ऐसा नहीं सोचते, लेकिन सोचते हैं ये हमारे मेरे बेटे जैसे हैं, मेरी बेटी जैसे हैं, यही सोचता है। और प्रेरणाजनक नजर से देखते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े उत्साह की बात है कि युवा पीढ़ी के पास शक्ति है और उनके पास चुनौतियां तो बहुत है, उसमें संदेह की बात नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं, ये क्षमता है आपके पास। इसलिए आप जब आपके लिए कोई भी छोटा सा नमूना मिलता है तो जो माता पिता हमारे लिए कर गए ये या नहीं भी सके तो अलग बात है, लेकिन हमें उनके प्रति कृतज्ञता से आदेश आना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, नहीं भी सके तो भी उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। और हमें आगे बढ़ने के लिए हर किसी से अपने सोच से, अपने परिश्रम से, अपने त्याग से करने के लिए बढ़ना चाहिए। मैं और एक चीज बोलना चाहूँगा कि हमारी हम लोग सभी जन हमारे बड़े भाइयों को मैं याद करता हूँ, बिशप सॉस में या कहीं में वे बर्थडे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बर्थडे मनाते हैं। मुझे भी मैं भी उनके साथ साथ मनाता हूँ। और क्या मनाते हैं? पुरोहित अभिषेक दिवस धूमधाम से मनाते हैं। घर में आप ही बर्थडे मनाते हैं और आपके जो बेटे बेटी शादी जवान कई सालों से शादी होने के बाद तो वे शादी की जुबली बनाते हैं 25 वर्ष के 50 वर्ष, लेकिन किसी कभी तक आप किसी ने सुना है कि कोई 25 साल हो गए उसे सेलिब्रेट कर उसे परम मनाया त्यौहार मनाया, नहीं सुने आप? नहीं सुने ना? ये कहाँ चली जाती है हमारी ये सोच करण पहला पोत्र प्रसाद बहुत बड़ा चीज है, हमें विश्वास के रास्ते इसे हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। मैं हमारे पूर्वज भाइयों से निवेदन करूंगा, हमारे धर्म भाई बाबू से भी निवेदन करूंगा कि ये इसका प्रचार करें कि सभी घर में बपतिस्मा के दिन को याद करके खोज करके किस दिन बपतिस्मा हुआ था उसको खोज निकाल करके एक सर्टिफिकेट बनाइए और घर में रखिए, जो कम से कम कोई भी आएगा क्या है वो देखेंगे कि ये ख्रिस्तीय परिवार है, लिखित प्रमाण। हम लोग भी इस प्रकार की बहुत कमी है, इसी प्रकार दृढ़कर संस्कार का भी हो सकता है और दृढ़कर संस्कार तो बहुतों के लिए मिल जाता है, लेकिन कोई उसे फ्रेम करके घर में नहीं रखते, उसे तस्वीर के समान लगा करके घर में जहाँ क्रूस रखती है वहाँ रखने का काम है हमारे ख्रिस्ती जीवन का प्रतीक। इतने बड़े बड़े कमी हमारे जीवन में है तो कलीसिया कैसे मजबूत होगी? जो बहुत हमारे जीवन ख्रिस्ती जीवन संस्कार से भरा हुआ है, 7 संस्कार है। देखिए सबसे पहला संस्कार जिसे हम सबसे पहले न त्रिकुमियों न त्रिकरण और न कोई गुरुदाय और न शादी संस्कार आत्मदान संस्कार सबसे पहले मिलता है बपतिस्मा संस्कार। इसी क्यों हम उजागर नहीं करते और उसे क्यों गौरवान्वित नहीं करते? हम प्रत्येक आप कुछ वर्षों में शादीशुदा होकर परिवार बसाएंगे तो मैं ये आज की शाम इस घटना को बपतिस्मा के बारे में दृढ़कर संस्कार के बारे में पहला महाप्रसाद पवित्र कुंभियों के बारे में आप जरूर याद रखें, इसे वर्ष वर्ष आपके घर में करें तो ये सचमुच में लगेगा कि ये ख्रिस्ती समाज है।
जानकारी तो कौन मनाता है और लोग भी मनाते हैं, ये शादी का सालगिरह है और लोग भी मनाते हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज है। तो प्यारे हिंदुआ साहब, ये बहुत बड़ी चीज आपके लिए बोल गया, और साथ में हमारे लिए जो ख्रिस्ती जीवन है गिरजा आने का और सहयोग करने का, ये बहुत बड़ी चीज है। ये कल मिशन सब्जेक्ट है, मिशन एक बार है, कल बहुत सारी चीज बोलूंगा फिर से, लेकिन आज आप लोग को ये बोलना चाहूंगा क्योंकि आप यहाँ खतर पे हैं, हम लोग ये क्रिश्चियन होकर के क्या करते हैं? एक तो रोजरी आराधना वित्तीय प्रार्थना जितना हमारे नाम लिया और अपने विश्वास की घोषणा मेरितों के अनुसार ये करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यानी एक साधारण शब्द बोलेंगे प्रार्थना, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन, क्रूस लेकर हम चलने वाले आते हैं और उसके सामने से जुगाते हैं। दूसरी चीज अभी कहा जाता है, अब ये पादरी ग्रंथ से बैठे तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, ऐसे फोटो लेने से तुम जा सकते। पादरी ग्रंथ एस सी सी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लघु ख्रिस्ती समुदाय के लिए। इसे कहा जाता है कि ये लघु ख्रिस्ती समुदाय की एक छोटी घरेलू कलीसिया है, तो इसे बढ़ावा देने के लिए बहुत काम कर रहे हैं रोहित लोग, भगवान लोग, और बहुत सारे युवा दल भी काम कर रहे हैं, माता पिता भी काम कर रहे हैं, लेकिन इसे और भी ज्यादा बढ़ाना है। क्यों नहीं बढ़ना है? इसे करने से हमारे कलीसिया में बदलाव आएगा, तो ये बहुत बड़ी दरकार है, क्योंकि यदि हम मिशन भगवान बनाने जा रहे हैं कल और संत पापा के हुक्म मान करके हम आगे चलेंगे, तो ये अपने आप को एक शिक्षा देना, बाइबल की शिक्षा देना, ये लघु कृति समुदाय का।